संजीव जी में हर रोज हम आपकी सेहत से जुड़ी किसी एक परेशानी की चर्चा करते हैं और आपको बताते हैं उस बीमारी या परेशानी से बचने का आयुर्वेदिक तरीका। संजीवनी के सफर में आज हम चर्चा करेंगे हमारे और आपके शरीर के बेहद ही खास और सेंसिटिव हिस्से ब्रेन के बारे में। हम में से बहुत से लोग जानते हैं ब्रेन मतलब दिमाग होता है, इससे ज्यादा जानने की हम में से किसी को जरूरत भी नहीं पड़ती। पर आज हम आपको बताएंगे कैसे काम करता है ब्रेन और ब्रेन का दुरुस्त रहना सेहत के लिए कितना जरूरी होता है। इन तमाम सवालों का जवाब आज आप संजीवनी में जानेंगे और साथ ही बोनस में आपको संजीवनी टिप्स में बताएंगे गुलाब जल की ढेरों खूबियां। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं क्यों हो जाती है ब्रेन में गड़बड़ी। तो चलिए सबसे पहले डॉक्टर साहब से जानते हैं कि दिमाग आखिर काम कैसे करता है और क्यों इसमें किसी तरह की गड़बड़ी या बीमारी आ जाती है। जी डॉक्टर साहब डिटेल में बताइए। देखिए दिमाग यानी कि हमारा ब्रेन मस्तिष्क बहुत ही एक अहम हिस्सा है हमारे शरीर का और एक तरह से कहें तो पूरा एक हेडक्वार्टर है। जितना भी हमारा शरीर में जो फंक्शंस चल रहे हैं, चाहे वो फिजिकल फंक्शन है या नर्वस सिस्टम से संबंधित जो कार्य चल रहे हैं या हमारे हार्मोनल जो सिस्टम्स हैं, एंडोक्राइनल सिस्टम है, उसका भी कंट्रोल हमारे दिमाग में, जो हाइपोथैलेमस एरिया है दिमाग में, वहीं पर उसका मेन सेंटर उसका होता है। तो ब्रेन अगर हमारा स्वस्थ रहेगा तो हमारे शरीर के सभी जो है कार्य ठीक चलते हैं। लेकिन ब्रेन में अगर किसी प्रकार की गड़बड़ी आ जाए, कई बार आपने देखा होगा कि लोगों को पैरालिसिस आ जाता है, हालांकि उनकी मांसपेशियां सही हैं, उनकी हड्डियां सही हैं, उनके शरीर में सब चीज ठीक है, लेकिन क्योंकि मस्तिष्क का कोई हिस्सा डैमेज हो गया है, किसी हिस्से में क्लॉट आ गया है, उसकी वजह से आपका हाथ और पैर बिल्कुल काम ही नहीं करता है। इसी प्रकार से जो है हमारी जो इंद्रियां हैं, केवल शरीर नहीं, हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारी आंख, नाक, जीभ, कान, जो हमारा देखने का काम है, सुनने का काम है, सूंघने का काम है, टेस्ट का जो काम है, इसके भी जो सेंटर्स हैं वो हमारे मस्तिष्क में होते हैं। कभी कभार आपने देखा होगा डॉक्टर लोग आपको बोलते हैं कि आपकी जो है नस सूख गई है, मतलब आंख आपकी ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कहते हैं नस सूख गई है पीछे तो दिखाई नहीं देता, या आपको किसी चीज की स्मेल नहीं आती। तो मस्तिष्क को अच्छी प्रकार से हमें स्वस्थ रखने की जरूरत है। बहुत सारी एक्टिविटीज इसके अंदर चल रही होती हैं, बहुत सारे कार्य इसमें हो रहे होते हैं, इसलिए यहाँ पर आवश्यकता है लुब्रिकेशन की, बहुत आवश्यकता है कि स्निग्धता हमारे मस्तिष्क में बनी रहे। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कमी भी हमारे मस्तिष्क में नहीं होनी चाहिए। ऐसे भी रोगी हमारे पास आते हैं जिनको कि कहा जाता है कि बचपन में या किसी समय अगर मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी हो गई तो उसके कारण जो है ब्रेन का कोई हिस्सा डैमेज हो गया या कमजोर हो गया। तो निरंतर उसमें प्राणवायु का प्रवाह चलते रहना चाहिए, निरंतर वहां स्निग्धता बनी रहनी चाहिए, खुश्की नहीं आनी चाहिए दिमाग में। इसलिए आपको जो थोड़ा सा इसको समझना जरूरी है। और ब्रेन में जो आपने पूछा कि क्यों उसमें गड़बड़ी आ जाती है, तो गड़बड़ी आने के कारण अगर हम आयुर्वेदिक दृष्टि से कहें तो जैसा मैंने कहा कि अगर ड्राइनेस हो जाएगी, बहुत ज्यादा खुश्की हो जाएगी, या ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, प्राणवायु की कमी हो जाएगी, तो उसमें गड़बड़ी होगी। थोड़ा सा और हम इसको गहराई से समझने की कोशिश करें, जो मानसिक विकार हमारे जो कहे जाते हैं वो भी ब्रेन के ही किसी फंक्शन की कमी की वजह से होता है। आपने सुना होगा आजकल कई लोगों को पागलपन हो जाता है, कई लोगों को डिप्रेशन हो जाता है, किसी को बहुत एंग्जाइटी हो जाती है, ये भी ब्रेन से संबंधित ही रोग है। लेकिन आयुर्वेद में इनको थोड़ा सा मन के साथ हम जोड़ते हैं। मन जो है वो ऐसी एक शक्ति कहिए, ऐसी हमारे शरीर का एक हिस्सा है कि जो निरंतर सोचने का काम करता है, चिंतन का कार्य करता है, और मन का जो कार्य क्षेत्र है वो मस्तिष्क है। तो मन जब हमारा दुखी होता है, दूषित होता है या विकृत होता है तो भी कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र यानी कि ब्रेन में कोई प्रॉब्लम आती है, जिसको कि हम अपनी भाषा में कई बार कहते हैं कि तमोगुण और रजोगुण की वृद्धि होती है। यहाँ तक भी आपने देखा होगा कि अगर मन हमारा या हमारा माइंड या ब्रेन कहें जिसको, वो नेगेटिव जब सोचने लगता है तो उसके कारण भी बहुत सारे रोग आ जाते हैं। मानसिक तनाव यानी कि टेंशन अगर आपके दिमाग में है तो उसके कारण भी आपको बहुत सारे रोग आते हैं। तो थोड़ा सा इसको बहुत गंभीरता से आपको समझना चाहिए, क्योंकि ब्रेन ही हमारा पूरे सिस्टम का एक मेन हेडक्वार्टर है और उसको जो है स्वस्थ रखना हमारा बहुत एक परम कर्तव्य है। क्योंकि अगर ब्रेन हमारा जो ठीक नहीं है तो फिजिकल बॉडी, हमारी इंद्रियां,
और यहाँ तक के जो हमारा मन है उसको भी हम कहेंगे कि विकृत हो गया। बिल्कुल, ब्रेन से जुड़ी चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ पर एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, रोहित हैं जम्मू से। जी आप अपना सवाल कर सकते हैं। हेलो, हाँ जी सर, मेरे ना बैठे बैठे टांगों में ना दर्द होने लग जाता है और सुनसी हो जाती है उसके थोड़ी देर बाद। अच्छा, देखिए इसमें कई बार ऐसा होता है कि बैठे जब आप रहते हैं तो खून का जो सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन, वो स्लो हो जाता है। कई लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, हमारे यहाँ वात का इसको रोग मानते हैं, वात के कारण, यानी कि जो वात है जो शरीर में हर प्रकार की मूवमेंट को जो कराती है, खून को भी वो चलाती है, तो वात जब विकृत होती है तो आपके ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आती है। तो उसमें पैर आपके उनमें सुन्नपन आ सकता है, पैर ठंडे हो सकते हैं, पैरों में दर्द हो सकता है। तो सिंपल सी चीज है कि थोड़ा सा गर्म उनको रखें आप। गर्म रखने का तरीका बहुत अच्छा है कि एक तो तेल की मालिश उसमें की जाए, तिल के तेल की मालिश जो हम बताते हैं, दूसरा गर्म पानी में भी अपने पैरों को आप शाम के समय या सुबह थोड़ा सा रख सकते हैं 10-5 मिनट के लिए, उससे भी वहाँ पर वायु का शमन होगा, सर्कुलेशन आपका अच्छा होगा। और इसके अतिरिक्त यदि कोई और कारण है तो उसका परीक्षण कराना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि सुन्नपन होना कई बीमारियों के लक्षण भी हो सकते हैं। आज हम जैसे आज मस्तिष्क की बात कर रहे हैं, ब्रेन की बात कर रहे हैं, तो हो सकता है कि जो ब्रेन से नसें निकलती हैं स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू आपके पैरों में जो जा रही हैं, उन नर्व्स में, उन नसों में कमजोरी आ गई है, उनमें कुछ खुश्की आ गई है, उनमें ड्राइनेस आ गई है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके मस्तिष्क का कोई हिस्सा या स्पाइनल कॉर्ड का, कमर का हिस्सा, जो हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर स्पाइनल कॉर्ड होती है, हो सकता है वहां पर कोई नस दबी हुई है, उसमें कोई प्रॉब्लम, उसकी वजह से भी पैर सुन्न हो सकते हैं, उनमें दर्द भी हो सकता है। तो काफी कारण इसके होते हैं, उसको समझना भी बहुत जरूरी है, लेकिन आपको निवारण जो मैंने एक सिंपल बताया वो आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन रोग को परमानेंटली ठीक करने के लिए आपको एक प्रॉपर कंसल्टेशन, प्रॉपर परीक्षण निरीक्षण बहुत जरूरी है। आजकल मैं देखता हूँ लोग बड़े लापरवाह रहते हैं अपने स्वास्थ्य के प्रति, छोटी छोटी सी चीजों को भी हम जो है नजरअंदाज करते हैं, और वो चीजें, छोटी छोटी चीजें एक दिन बड़ा रूप ले लेती हैं, बड़ी बीमारी में वो परिवर्तित हो जाती हैं, फिर जो है बहुत मुश्किल हो जाता है उस रोग को ठीक करना। चलिए हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और एक बार फिर से दर्शकों को बता देते हैं कि आज हम बात कर रहे हैं ब्रेन की। डॉक्टर साहब, अगर ब्रेन से जुड़ी समस्या की बात करें तो मुझे सिर्फ एक ही समस्या याद आती है, वो होती है याददाश्त की कमी हो जाती है। तो और कौन कौन सी समस्याएं होती हैं और उनके लक्षण क्या होते हैं, उनको पहचाना कैसे जा सकता है? देखिए, ब्रेन में तो बहुत सारी समस्याएं होती है। लक्षणों की बात करें तो अगर आपको, जैसे आपने कहा, याददाश्त की कमी, या कभी कभार आपको कंसंट्रेशन नहीं होता ठीक से, माइंड जैसे कंफ्यूजन में रहता है, कई लोग कहते हैं मेरा माइंड बड़ा कंफ्यूज रहता है, कानों में आवाज आती है, या आपको सिर में कुछ हल्का फुल्का जो कहीं उसमें कंपन सी महसूस होती है, सिर में दर्द होता है, शोरगुल बहुत ज्यादा हो रहा है तो वहाँ आपको जो है इरिटेशन हो जाती है, ये लक्षण है कि कहीं ना कहीं मस्तिष्क में कोई खराबी आई है। आपको जैसा कि नंबनेस की कोई प्रॉब्लम हो, या कभी कभार ब्रेन की वजह से आपके जो पाचन सिस्टम है, एंजाइम्स प्रॉपर ना निकलना, बहुत सारी चीजें कंट्रोल रहती हैं ब्रेन से, विशेष तौर से हमारी मस्कुलर प्रॉब्लम्स जो हैं, हमारी जो मूवमेंट्स हैं, हमारी जो नर्व्स हैं, उनका जो है इसका इसमें कंट्रोल होता है। तो बीमारियां बहुत सारी हो सकती हैं ब्रेन में खराबी होने की वजह से, जैसे एपिलेप्सी का आपने देखा होगा, दौरे पड़ते हैं तो वो ब्रेन में खराबी होती है, किसी को पैरालिसिस हो जाता है, ब्रेन में खराबी होती है, मेंटल रोग तो होते ही हैं, जैसा कि स्किज़ोफ्रेनिया है, बाइपोलर डिजीज है, या जो है हम कहते हैं कि ब्रेन के केमिकल्स में कुछ खराबी आ रही है, डिप्रेशन हो जाता है, मैनिक डिप्रेशन हो जाता है, बहुत सारी बीमारियां हैं। लेकिन मस्तिष्क अगर हमारा खुश नहीं है, जिसको कि हम मन कहते हैं आयुर्वेद में, अगर वो स्वस्थ नहीं है तो उससे बहुत सारी चीजों पर, जैसे मैंने अभी भोजन का जिक्र किया, कई लोगों को बहुत ज्यादा जो है उदासी रहती है, डिप्रेशन रहता है, तो खाना ही नहीं पचता। अब हालांकि इसका डायरेक्ट रिलेशन नहीं है उसके साथ, ऐसा नहीं कि वो डायरेक्टली उसको कंट्रोल कर रहा है, लेकिन इनडायरेक्ट रिलेशन भी होता है। मन अगर हमारा जो स्वस्थ नहीं है, या हमारा मस्तिष्क बिल्कुल जो है ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो वो ऑर्डर नहीं करेगा, जूसेस नहीं निकलेंगे और खाना पचेगा नहीं प्रॉपर। तो ऑर्डर करना, जो सिग्नल मिलना, ये सब ब्रेन से कंट्रोल होता है, बहुत सारी चीजें कंट्रोल होती हैं, बहुत सारे रोग हैं। अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो काफी सारे रोग भी हमारे माइंड से, हमारे ब्रेन से जुड़े हुए। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, कृपाल हैं लुधियाना से। जी आप अपना सवाल कर सकते हैं। हेलो जी। जी नमस्कार सर। जी नमस्कार। जी सर, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी कॉल आपके शो में मिलाई गई, बड़े दिनों से कोशिश कर रहा था सर, कॉल लगता नहीं था आपका। जी हाँ जी सर, मैं बताना चाहूंगा सर, मुझे ना डॉक्टर ने सोरियाटिक आर्थराइटिस डायग्नोज करा हुआ है।
अच्छा सर, बहुत 20-25 साल हो गए, बहुत तंग हूँ मैं इस बीमारी सर, कोई निदान बताइए इसका सर, कोई समाधान बताइए आप। देखिए रोग आपका वाकई में गंभीर है, सोराइटिक, एक तो सोराइसिस है, फिर वो अर्थराइटिस भी साथ में, तो सोराइटिक अर्थराइटिस मुख्य रूप से जोड़ों में खास तौर पर दर्द भी होता है, वहाँ पर जो है सोराइसिस भी होता है। आयुर्वेद में हम सबसे पहले अगर इसकी चिकित्सा करें तो मैं आपको सीधा कहूँगा 20-25 साल आप कह रहे हैं कि रोग पुराना हो गया आपको, तो पंचकर्म बनता है आपका सबसे पहले, एक एक सफाई बनती है बॉडी की, क्लीनिंग बनती है, क्योंकि दवाइयाँ भी अगर हम देंगे वो फर्क तो करती हैं, पेशेंट आते हैं हमारे पास, लेकिन वो बहुत ही आपको थोड़ा थोड़ा सा फर्क दिखेगा, कहीं आपको लगेगा कि थोड़ी खुजली कम हो गई है, थोड़ा दर्द कम हो गया है, लेकिन सबसे पहले एक शोधन किया जाए, शरीर की डिटॉक्सिफिकेशन की जाए, पूरे टॉक्सिन्स को थोड़ा बाहर निकाला जाए, उसके पश्चात फिर कुछ दवाइयाँ दी जाए। इसमें मैं बल्कि आपको कोई नुस्खा भी नहीं बताना चाहूँगा, आपको डायरेक्टली मैं यही कहूँगा कि आप सीधे डॉक्टर से संपर्क करें, कंसल्टेशन करें, आप हमारी किसी भी क्लिनिक में जा सकते हैं, आप हमारे नंबर पर फ़ोन करके डायरेक्ट फ़ोन पर बात कर सकते हैं डॉक्टर से, और एक अच्छी तरह से, एक अच्छे मरीज की तरह से आपको ये उपचार करना पड़ेगा। इसलिए कह रहा हूँ कि ये अगर मरीज अच्छा ना हो, अच्छे का मतलब वो एक प्रॉपर उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो ना करे, दवाइयाँ टाइम पर ना ले, थोड़े दिन दवाई खाई फिर छोड़ दी, किसी दिन ली किसी दिन नहीं ली, उससे रिलीफ बिल्कुल नहीं आएगा। टाइम वेस्ट मत करो, अपना पैसा भी वेस्ट मत करना। मैं यही कह रहा हूँ आपको कि अच्छे मरीज की तरह बिल्कुल डिसिप्लिन में रह करके आपको दवाई करनी पड़ेगी, उपचार करना पड़ेगा, तभी हम आपको कुछ जो है उम्मीद दिला सकते हैं कि हाँ हम कुछ आपकी सहायता करेंगे, अदरवाइज सहायता नहीं हो पाएगी। ऐसे रोगों में बहुत ही डिसिप्लिन की जरूरत होती है, बहुत मेहनत की जरूरत होती है, हर प्रकार से डाइट में, खान पान में, जैसे कि अगर डाइट की बात करें तो गर्म तासीर वाली चीजें आपको बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, मिर्च अचार खटाई चटनी वगैरह बिल्कुल नहीं खानी चाहिए आपको, क्योंकि आपको अर्थराइटिस है तो वात का भी आपको ध्यान रखना है, उड़द की दाल है, गोभी, भिंडी, राजमा, छोले, ये नहीं खानी चाहिए बिल्कुल भी। तो अगर आप ये चीजें खा रहे हैं तो फिर आपका रोग ठीक नहीं होगा, क्योंकि आप दोषों को बढ़ा रहे हैं, पित्त को भी बढ़ा रहे हैं और वात को भी बढ़ा रहे हैं, और दोनों ही इसके मूल कारण समझे जाते हैं। तो थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए और इसका प्रॉपर उपचार आप कराइए। और चलिए अब बात कर लेते हैं आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताएंगे दिमाग को दुरुस्त रखने के कारगर आयुर्वेदिक नुस्खे। जी डॉक्टर साहब, क्या है आज की संजीवनी? देखिए जैसा मैंने कहा कि सबसे बढ़िया चीज है तरावट, अगर मस्तिष्क आपका तर रहेगा तो उसके लिए आप मालिश करिए सिर में, बहुत बढ़िया है। नाक में बादाम का तेल डालिए, वो भी कहीं ना कहीं जाकर के आपके मस्तिष्क को तर करता है। और खान पान, अगर आपका पाचन अच्छा है तो आप जो है शुद्ध घी खाइए, घर का बना मक्खन खाइए, दूध पीजिए, ये सब तरावट वाली चीजें हैं, स्निग्ध चीजें हैं, लुब्रिकेशन करती हैं बॉडी के अंदर। प्राणवायु का हमने जिक्र किया, प्राणवायु यानी कि प्राणायाम कीजिए आप, थोड़ा सा माइंड को डीप ब्रीदिंग आप करिए नियमित रूप से, उससे मस्तिष्क में ऑक्सीजन आपकी जाएगी तो भी मस्तिष्क आपका स्वस्थ रहेगा। जड़ी बूटियों में अगर देखें तो शंखपुष्पी, ब्राह्मी का जिक्र हम करते हैं, इनका सेवन आप कर सकते हैं, इनकी टेबलेट्स बनी बनाई भी मिल जाती हैं, इसके चूर्ण भी आप बना करके ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त ड्राई फ्रूट्स हैं, बादाम बहुत अच्छा है, अखरोट बहुत अच्छा है, किशमिश बहुत अच्छी है, इनको भिगो करके इनका सेवन दूध के साथ आप कर सकते हैं, तो ये थोड़ा सा करिए। तो चलिए अब डॉक्टर साहब से जान लेते हैं कि आपको ब्रेन से जुड़ी कोई बीमारी ना हो, इसके लिए क्या कुछ सावधानियां बरत सकते हैं? सावधानियां इसमें यही है कि एक तो खान पान पर ध्यान देना चाहिए आपको। आजकल लोग जो है बहुत सारा जंक फूड खाते हैं, ऐसी चीजें खाते हैं जिसमें ब्रेन के लिए कोई पौष्टिक चीज नहीं है, नरिशमेंट नहीं है। आपने आजकल सुना होगा, बहुत प्रचार आजकल चल रहा है ओमेगा फैटी एसिड्स, ओमेगा 3, ओमेगा 6, तो ये ब्रेन के लिए हमारे बहुत अच्छे हैं, नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छे हैं। हम उसको अगर हम कहते हैं, हमारे यहाँ तो प्रारंभ से ही जो आयुर्वेद में कहा जाता है घी का सेवन करिए, बादाम वगैरह खाइए, अखरोट खाइए, इससे आपको ये चीजें मिलती हैं। और दूसरी चीज जो है भोजन के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको नींद प्रॉपर आनी चाहिए। नींद से भी आपका मस्तिष्क जो है वो स्वस्थ होता है, क्योंकि जब आप सोते हैं तो आपके ब्रेन को रेस्ट मिलता है और रेस्ट से उसको शक्ति मिलती है। तो कम से कम 6 घंटे की नींद आपकी डीप स्लीप होनी चाहिए, और इसके अतिरिक्त जो है जैसा मैंने कहा कि सिर की मालिश जरूर करनी चाहिए।